उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत दिवाली में फ्री सिलेंडर की सब्सिडी लेने वाले लाभार्थियों को अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक उज्ज्वला योजना के करीब 54,40,000 लाभार्थियों का ही आधार वेरीफाई हो पाया है, जबकि मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का लाभ यूपी में 1,75,00,000 बीपीएल महिला लाभार्थियों को दिया जाना है। ऐसे में महज 30% के आसपास ही लाभार्थियों को इस दिवाली पर फ्री सिलेंडर मिल पाएगा। हालांकि इस दौरान कई लाभार्थियों का कहना है कि उनका वेरिफिकेशन ही कोई नहीं करने आ रहा, ऐसे में उनकी दिवाली कैसे मनेगी। जानकारी के मुताबिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च के बीच 2 LPG सिलेंडर फ्री दिए जाने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में इसे पास कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन लाभार्थियों के पास है जिनके सामने दिवाली है और उनका आधार कार्ड अभी वेरीफाई नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच टेक्निकल सवाल ये उठता है कि आखिर लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड फिर से वेरीफाई करवाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले हैं उनके पास पूरा लेखा जोखा एजेंसी के पास नहीं रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि वापस आधार वेरीफाई करवाने के पीछे की कहानी क्या है। हालांकि वेरिफिकेशन को लेकर प्रशासन ने कुछ खुलकर नहीं कहा है, लेकिन ये दलीलें दी जा रही हैं कि इस योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे और इसमें धांधली ना हो, इसलिए वेरिफिकेशन जरूरी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक लाभार्थियों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग के एडिशनल कमिश्नर अटल कुमार राय के मुताबिक विभाग के पास 54,00,000 लाभार्थियों का आधार वेरीफाइड है, जिसे पेट्रोलियम कंपनी ने वेरीफाई किया है, जबकि अभी भी सैकड़ों लाभार्थियों का आधार कार्ड वेरीफाई किया जाना बाकी है। ऐसे में इस दिवाली पर जितने लोगों का आधार कार्ड वेरीफाई उनके गैस एजेंसी से हो गया है उनके खातों में पैसा पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार अब जो उज्ज्वला सिलेंडर हैं उनको भरने के लिए या भराने के लिए अब सब्सिडी भी देगी। इसके लिए साफ तौर से एक सब्सिडी इधर दीपावली पे और एक तरीके से होली पर दी जाएगी। इसको लेकर बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से मिलेगी। आधार कार्ड का सत्यापन बहुत लोगों ने कराया है, बहुत लोगों ने नहीं कराया है, तकरीबन करोड़ों लोगों को ये मिलना है। आखिर इस पूरे मामले पर फैक्ट क्या है, हमारे साथ अटल कुमार राय जी हैं जो एडिशनल कमिश्नर हैं खाद्य आपूर्ति में, आई पूछते हैं उनसे। सर, किस तरीके का ये पूरा प्रक्रिया रहेगी, इसमें कैसे आप लोग ये पूरा जो उज्ज्वला के तहत जो देंगे कैसे देंगे? उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं हमारे प्रदेश में वो कुल 1,75,00,000 हैं, और हम लोग जो है जिनके भी आधार प्रमाणित हैं उनकी संख्या अभी 54,04,000 है। प्रथम चरण में हम उनको टेकअप करेंगे, उनका पैसा हम आयल कंपनी को उपलब्ध करा देंगे। आयल कंपनी जो भी लाभार्थी अपना सिलेंडर बुक कराएगा पहले वो एडवांस में पैसा उनसे लेंगे, उसके बाद हमारे प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी को उनके खाते में अंतरित की जाएगी। और जो लाभार्थी जिनका आधार प्रमाणित नहीं है उनका भी प्रमाणन की कार्रवाई जो है वो अभियान के तौर पर आयल कंपनी, जिला प्रशासन, खाद्य रसद विभाग के सहयोग से होता रहेगा और उनको भी इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। सर, जैसे कि दीपावली अभी है तो जिन लोगों का नहीं है, कन्फ्यूजन्स है वो कैसे कराएं या उनका कैसे हो, तो उनके लिए क्या आइडिया है, मतलब कैसे होगा उनका? आधार प्रमाणित करने के लिए आयल कंपनी द्वारा हम लोगों ने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि एक ऐप के माध्यम से उनका आधार प्रमाणन कराया जाएगा और इसके लिए स्पेशल कैंप भी कराए जाएंगे और जहां पर लाभार्थी आकर के अपने आधार को प्रमाणित करा सकेगा। इसमें किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लोग जो है अपना वहां करा सकते हैं और उसके बाद बिल्कुल। और सिर्फ देखिए प्रदेश सरकार का उद्देश्य यह है कि किसी भी गलत खाते में पैसा ना जाए। जो लाभार्थी हमारा उज्ज्वला का कनेक्शन धारक है और आधार से वो वैलिडेटेड है, आधार से वो प्रमाणित है, उसके खाते में ये पैसा चला जाए। सर, कोई नया या पुराना कनेक्शन भी इसमें ऐसा होगा कि कुछ लोगों ने नया कनेक्शन अगर लिया है तो आधार अगर वो ऑथेंटिकेट करा लेते हैं तो उनकी सब्सिडी जाएगी,
या इसमें कुछ टाइमिंग दी हुई कितना पुराना होना चाहिए उज्ज्वला कनेक्शन? नहीं, जो भी चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, अगर वो उज्ज्वला का कनेक्शन धारक है तो उसको आधार की सब्सिडी मिलेगी। सर, और जिन लोगों को इस दीपावली पे नहीं मिल पाएगी तो क्या वो आगे उनको प्रोसेसर में? देखिए, दो चरणों में होगा। जो प्रथम चरण है वो नवंबर दिसंबर में जो बुक कराएगा अपना सिलेंडर उसको एक बार मिलेगा, और उसके बाद जनवरी से मार्च तक का जो दूसरा चरण है उसमें जो बुक कराएगा उसको एक बार मिलेगा। इस तरह से जो दो बार निःशुल्क सिलेंडर देने का राज्य सरकार का संकल्प था उसके अनुसार दो बार पूरी सब्सिडी उसके खाते में भेजी जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी? बिल्कुल होगी, और एक शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया गया है, और जो हेल्पलाइन नंबर होगा, अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा, कोई भी घटतौली करेगा, सिलेंडर में कोई घटतौली होगी या गड़बड़ी होगी या किसी पात्र को वंचित किया जाएगा, तो अनुश्रवण के लिए और इसके समीक्षा के लिए निरंतर जो है वो जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग कोई कैंपेन या ड्राइव या कोई चेकिंग इस तरीके से भी करेंगे क्या? ठीक है, प्रदेश स्तर पे भी एक समिति बनी है जो साप्ताहिक इसकी जो है मॉनिटरिंग करेगी, सभी शिकायतों का अनुश्रवण करेगी, और जिले स्तर पे भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है जो अपनी सतर्क निगाह इस पे रखेगी। तो अटल कुमार राय जी, साफ तौर से मानना यही है कि जो सब्सिडी है उज्ज्वला सिलेंडर की वो लोगों के खाते में जाएगी, और जिस तरीके अगर कोई गड़बड़ी भी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि उसको मॉनिटर करने के लिए एक सेल भी पूरी तरीके से बनाई गई है। ऐसे में साफ हो गया है कि जो पात्र हैं उन तक उज्ज्वला की सब्सिडी पहुंचेगी और जो पात्र नहीं हैं उन तक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।